एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जहरीली वस्तु का सेवन करने से विवाहिता की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। पुलिस के अनुसार भिलुड़ा निवासी पंकज पुत्र दिनेश लाल पंचाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी भाभी रीना देवी पत्नी दीपक पंचाल की शादी 20-22 वर्ष पूर्व अंबाला निवासी मोहनलाल पुत्र खिमजी पंचाल के यहां हुई थी। रीना के दो पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं तथा रीना का पति दीपक विगत 6 माह से कुवैत में है। दीपक के यहाँ पर ढूंढ का कार्यक्रम होने से वह मंगलवार को गांव आ रहा था, लेकिन रविवार सुबह 7:30 बजे गोली खा लेने से रीना की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली। रीना की तबीयत खराब होने पर उसने बताया कि ठाकरा निवासी पुष्पा अमृत लाल पंचाल, सागवाड़ा निवासी रोशनी वैभव और भीलूडा निवासी राय लाल पुत्र गौतम को रुपए तथा सोने की चेन दी थी, लेकिन वे वापस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तनाव में आकर सेल्स फोर्स की गोलियां खा ली है। तबीयत ज्यादा खराब होने से दिनेश लाल शेखर तथा हिमा देवी रीना को लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रीना की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच स्वयं पुलिस निरीक्षक कर रहे हैं। रोशनी लगी है, चैन है, 5 लाख रुपया ने 14 लाख रुपया 14 तोरा होनो पुष्पा लगी है, डायलाल लगी है ने एनी वजह था कि एने जहर खादू है ने अमृतलाल पंचाली लेवड़ाई हुए एने सभी करिए कारनामा ने जहर खादू है एम बोली है एना धनी भी मैं बस पुलिस कॉल मोकलियो ने अमारा न्याय जुए सारे सोरनो नाना नाना दौड़ भरना बे चूलवा सोरा है 5-5 वर्ष बे सूर्या है ने एनो आदमी कांडो थी गो फांसी खाई तू एम के ने घर में रही सकता नहीं तो अमारा बस रोशनी जुए पुष्पा जुए दयालाल जुए ने अमृतलाल जुए ने नौकरी तक सस्पेंड सब थवा जुए एना सोरो एनी बहु अमृतलाल सब